तो दोस्तों मम्मी अब जाएंगी ऊपर। हेलो दोस्तों, राम राम। मुझे उम्मीद देखें आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं, तो सभी को प्यारे से गुड मॉर्निंग। इधर को बिल्कुल सो रही है। देखो हमारे वो लोग वाई पर पानी साफ कर रहा है, बारिश हो रही है, उसका आपको दिखाई दे रहा होगा। और उधर को भी बिल्कुल तो कर रही है। और आपको मौसम में दिखाते हैं, देखो बदल हो रहा है आज, बारिश होने से फिर ठंडा मौसम हो गया गाइस। ना गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखे थे सबके, पर एक दिन की बारिश से ही थोड़ी रात मिल गई फैल फैल की बारिश से। और इधर को ये सो रही है। मैं आपको पता है मेरा तो वही रूटीन वर्क, अब दिखाती हूँ। इसमें चढ़ाया मैंने पालक और धनिया, थोड़ा सा धनिया डाला है, बोले थे पालक धनिया का रायता बनाना गाइस। और तो दोस्तों चलते हैं अंदर, मैं बाहर घूम रही थी हम थोड़े देर, अभी फ्रेश हो गया करके। बुड्डू इधर सो रही है, लोग कभी जगड़ी कभी सो रही है, मम्मी अंदर है। तो इधर को भाई भाभी जी कुत्ती कर रही है। मम्मा क्या कर रहे हो? अच्छा पालक का रायता बनाओगे? तो दोस्तों वो मिला रही बलिता, और दादी गैस को पानी पिलाने के लिए लेके जा रही है, और डुगू इधर मस्ती कर रहा है। तो दोस्तों मम्मी अब जाएंगी ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए ऊपर, अब देखते हैं मम्मी क्या है। तो गाइस हमने इस पे पालक और धनिया, पालक धनिया को मिक्स रात में बनाया। मैं खूब बारीक पीसती हूँ, जब आप गाइस को कहते हो मोटा पीसती है अभी, बहुत देर से। तो दोस्तों मम्मी ने पेस्ट बना लिया है, अब इसको कटोरे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कटोरे में डाल देंगे। लो ये मैंने पीस लिया पालक। वो उस पेड़ पे सामने बैठी है, ऊपर ही ऊपर। तो दोस्तों मम्मी बनाई है अब रोटी। और आज हमारे खेत में आ गया बैल, वो देखिए सामने कैसे जा रहे हैं उसको भगाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। ओ वो तो चल गया कहीं दूर ही, भगा कहीं नहीं शायद, नहीं तो वो हमारे घर में वापस आ जाएगा और हमारी ज्वार ले जाएगा, फिर हमारी भैंस थोड़ा सा भूखा रह जाएगी। और देखिए कैसे जा रहा है, कितना धीरे धीरे कछुए की स्पीड में। जी समा, भूख लग रही है, सो रही है, अभी उठिया मैंने हर जगह ही आगे तो। तो दोस्तों हम भी चल रहे हैं खेतों में साड़ बुआई करने के लिए, और जिनके ट्रैक्टर उनने तो लोग बगन बोने कर भी दी, और हम भी जा रहे हैं खेत में बाजरा बोने के लिए। अब आ जा बीजेगी ना।
गाइस मैं बुआई करके आऊंगी, बुआई करूंगी। इसको भी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे सब चीज है, बाजरा कैसे बीजते हैं। जब आम हो जाए आप है भी देश जा रहे हो। 8 किलो बीजा ये दो है जिन्हें। तो गाइस अब की बार तो बहुत सारे पेड़ हटवाए थे खेतों के, न तो वायरल कर देगा, जल्दी आ जा। सिंधु ने ओले पे लगो ओले और सरकार वो पहला है पहला मुंडा वो और उसी तो क्यों ना करे वो कूद रही है वा। बाजरा बीजना कर दिया उन्होंने स्टार्ट, एक तक पापा बीज रहे हैं क्योंकि वो आ चुका है ट्रैक्टर, ये सब बनकर बोएगो हम पांचों भाई इनका कि जमीन है चारों सबकी, तो एक ला रहे बो रहे हैं सबका सब। डंग से बीजो, ज्यादा दाना छोड़ दो, थम लाओ मो दो। तो दोस्तों इसको बाजरा का बीज बीजवाना सिखा रहा हूँ, बीज जल्दी जल्दी बीज, ये बाजरा का बीज बीज रही है, साठ बो रही है, अगली बार इसी को दे दी जिम्मेदारी और वो ट्रैक्टर खड़ा है वो आएगा इसमें। तो ठीक है दोस्तों, भगवान बढ़िया ले चले 500 रुपया बीगो। आप देख रहे हो ट्रैक्टर भी आ गए उधर को बोते, क्योंकि निकिता के पापा ने इस खेत में बो दिया बाजरा, अब इस वाले खेत में बोझ रहे हैं और वो देवर जी है वो खाई लाइन नहीं खींच रहे हैं बीच बीच में निशाने के लिए, और जी जी इधर को ज्वार का कूड़ दे रही है साइड साइड में, क्योंकि बारिश होती है जजार न्यार करने में प्रॉब्लम होती है, ज्वार को बरोटो काट ले दिक्कत ना आया।